नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। टीकाकरण पर दे सकते हैं जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लेह लद्दाख दौरा, आज सेना की तैयारी की करेंगे समीक्षा। अहमदाबाद में पीएम मोदी आज जैन गार्डन और किसान एकेडमी का करेंगे उद्घाटन। भारत जापान के रिश्ते होंगे मजबूत। असम में हाई पॉजिटिविटी वाले जिलों में 24 घंटे कोरोना कर्फ्यू, कम केस वाले जिलों में जीत। नरवल इलाके में एक आतंकी गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया 5 किलो आईईडी बरामद। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। सहारनपुर में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर और सट्टे माफिया की 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। गैंगस्टर अहमद द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किए पैसों से खरीदे गए करोड़ों की जमीन को खाली कराते हुए कुर्क करने की कार्रवाई संपन्न की गई है। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि गैंगस्टर के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर सहारनपुर पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। गैंगस्टर द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है। गैंगस्टरों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो सहारनपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो जारी है। और इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया है कि गैंगस्टर के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर सहारनपुर पुलिस की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है। थाना मंडी क्षेत्र का एक शातिर अपराधी जिसका नाम मोहम्मद अहमद पुत्र फाजिल था, वो लगातार यहाँ पे एनडीपीएस के काम में लिप्त था, सट्टे की खाईवाड़ी कर रहा था। काफ़ी संपत्ति उसने इस आपराधिक गतिविधियों के चलते बना लिया था। उसने 4 मकान यहाँ पे अभी उन्हीं से जो पैसा इकट्ठा हुआ था खरीदा था, उसको डीएम साहब के आदेश से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया है। आज उन्हीं 4 मकानों को के जब्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इस प्रकार हमारा अभियान लगातार चल रहा है और जो भी इस तरह के गैंगस्टर हैं जो प्रॉपर्टी बनाए हम उनके प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई लगातार। तो सहारनपुर से खबर है जहां पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजेश कुमार ने बताया है कि गैंगस्टर के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर सहारनपुर पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। वहीं गैंगस्टर के द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ में गैंगस्टरों के संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुहेल। तो सुहेल, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या कुछ पूरा मामला है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी 4-5 दिनों से लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है जो गैंगस्टर और अपराधियों के विरुद्ध लगातार पुलिस कप्तान के निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। इसके तहत में भी अपराधी हैं और उन्होंने अपने अपराध के जरिए अर्जित कर रखी है संपत्तियां, उन संपत्तियों को सरकार के पक्ष में जो है पूर्व करने की कार्रवाई चल रही है। पहले पूर्व में भी दो सुभाष और सैवल नाम के दो बदमाशों की विवेक विहार के अंदर जो है संपत्तियों को कुर्क किया गया था और इसी के साथ कल एक बार फिर दोबारा इसमें तस्कर नशे के कारोबारी और सटियारे की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जी सुहेल, कितने अपराधियों की संपत्ति अभी तक पुलिस के द्वारा कुर्क की गई है? 5 दिनों की कार्रवाई के अंदर अभी तक 4 अपराधियों की जो है संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। धन्यवाद सुहेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुहेल जुड़े थे जिन्होंने बताया कि गैंगस्टर अहमद द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किए पैसों से खरीदे गए करोड़ों की जमीन को खाली कराते हुए कुर्क कराने की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। और इस अभियान के बारे में साथ में आपको बता दें कि एसपी सिटी
राजेश कुमार ने यह बताया है कि गैंगस्टर के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर सहारनपुर पुलिस की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। वहीं गैंगस्टर के द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही गैंगस्टरों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मैनपुरी बेवर थाने की हद में आने वाली बनाकिया के पास एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मृतक की पत्नी को बेवर अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रदेश की स्थिति हर दिन के साथ बेहतर होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 2,66,000 टेस्ट किए गए। 21 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया और जबकि 52 जिलों में पाए गए नए केस की संख्या इकाई अंकों में है। संक्रमण दर 0.1% से भी कम स्तर पर आ चुका है जबकि रिकवरी दर 98.5% है। वर्तमान में कुल सक्रिय केस घटकर 3,197 रह गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में मात्र 173 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 348 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 5,68,07,529 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि कोविड वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। आज से KGMU लखनऊ में 100 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है और इसके नतीजे डेल्टा प्लस वेरिएंट की आशंका के दृष्टिगत बचाव के लिए जरूरी प्रयास करने में उपयोगी होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 के साथ बैठक कर रहे थे और यहां पर उन्होंने अफसरों के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड के नित नए वेरिएंट के प्रशिक्षण अध्ययन के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को बढ़ाया जाना आवश्यक है। KGMU की तर्ज पर वाराणसी और नोएडा के चिकित्सा संस्थानों में इस संबंध में सुविधाएं बढ़ाई जाए। आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्र से भी सहयोग लिया जाना जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। तो अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। बिल्कुल, आपसे बताना चाहेंगे कोरोना को लेकर हाल फिलहाल के अपडेट। हमारे 16 जनवरी से लेकर 8 जून तक जो है करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन कराया गया, जिससे प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा इस समय 3 करोड़ को पार कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो क्या कहते हैं कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश सरकार इस समय बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, जिसको लेकर क्या कहते हैं WHO और तमाम ऐसे क्या कहते हैं संस्थाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रही है। वहीं डेल्टा 3 वेरिएंट को लेकर एक बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि नए के आया है कि यूपी के मेरठ शहर में 4 क्या कहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको क्या कहते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आसार दिखे हैं, जिसको लेकर पुणे में जांच के लिए भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं ये नया वेरिएंट जो है खतरनाक साबित हो सकता है। लखनऊ में 100 सैंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य शुरू हो चुका है, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? जी बिल्कुल, क्या कहते हैं जो जिले इससे प्रभावित हैं हो सकते हैं उनको लेकर यूपी में KGMC और क्या कहते हैं SGPGI और आपका कहते हैं लोहिया इंस्टीट्यूट भी जीनोम टेस्टिंग के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जहाँ 100 से 200 लोगों की जाँचें होंगी। तो इसको लेकर जो भी हाल फिलहाल अभी ऐसा कोई वेरिएंट सामने नहीं आया है, लेकिन जो मेरठ के मामले सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं इस अलर्ट को जारी किया गया है कि मामला आगे गंभीर हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से न्यू डेल्टा वेरिएंट के खतरे बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंतित है और उन्होंने चर्चा करके ये भी बात कही है कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जो सुविधा है उसको और भी ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अगर अचानक से जैसे दूसरी लहर में केस बढ़े थे उस तरह से ये मामले सामने आते हैं, कहीं ना कहीं इसकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, जिसको लेकर इस तमाम क्या कहते हैं चिकित्सा अधिकारियों के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और ये आदेश जारी किया कि इस तरह की कोई समस्या ना आने पाए और बेहतर तरीके से इस चीज का इलाज हो। जी, तीसरी लहर की अगर बात की जाए तो किस तरह की जो सुविधाएं हैं वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन एक बड़ा माध्यम है और बच्चों की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। नहीं बिल्कुल, आपको बताते हैं अगर बच्चों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए प्रत्येक जिलों पीकू वार्ड के लिए आदेश जारी किए हैं,
जिसको लेकर 100 बाल चिकित्सक बेड स्थापित किए जाए, हर महीने उन बच्चों के मतलब विशेष ध्यान के लिए व्यवस्थाएं की गई, PICU और ICU की व्यवस्था की गई है, 100-100 बेड के हर अस्पतालों में पीरियडिक ICU बनाए जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री खास बच्चों पर नजर करेंगे। तीसरे चरण में इस बात का सामने आना था कि बच्चों पर ज्यादा हावी होगा। बहुत बहुत अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़े थे, जिन्होंने कोरोना को लेकर हमें अपडेट दी। और आपको एक बार फिर से बता दें कि 24 घंटे में कोरोना के 2,66,000 टेस्ट किए गए हैं और 21 जिलों में संक्रमण का कोई मामला नहीं सामने आया है, जबकि 52 जिलों में पाए गए नए केस की संख्या इकाई अंकों में है और संक्रमण दर 0.1% से भी कम है। वहीं अगर बात करें रिकवरी दर की तो वो 98.5% है। वहीं वर्तमान में कुल सक्रिय केस घटकर 3,197 रह गए हैं। बीते 24 घंटे में मात्र 173 नए पॉजिटिव केस आए हैं और 348 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अब तक 5,68,07,529 कोविड टेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया है कि कोविड वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए और आज KGMU लखनऊ में 100 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। रुक करते अगली खबर की ओर। औरैया के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। दोनों पार्टियों की जीत समर्थक कंफर्म कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसे जीत हासिल होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पक्की करते हुए बताया कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता युवा हैं और संघर्षशील भी हैं। भाई हमारे 5 सदस्य तो हमारे समर्थक जीते थे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजना उनसे प्रभावित होके हमारे पास संख्या बल का पूर्ण बहुमत है, उसके आधार पर हम नामांकन करने आए हैं और 3 तारीख को हम निश्चित तौर पर भारी बहुमत से नामांकन सादगी पूर्ण तरीके से प्रोटो उसका जो है उसका पालन करते हैं। किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां? मेरी पूरी तैयारी है। मेरे पास पहले से वोट के जीते हुए मेंबर पार्टी के 13 मेंबर हैं, उसी के साथ नामांकन। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिला औरैया के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और बहुत ही युवा और संघर्षशील कमल दोहरे जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को बधाई देता। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, क्या कुछ कहना है? जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। जाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हमारा संपर्क जाहिद से नहीं हो पा रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें कि औरैया में नामांकन हुआ है, सपा और बीजेपी ने नामांकन किया है। साथ ही आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया और साथ ही दोनों पार्टियों के जीत समर्थक कंफर्म कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसे जीत हासिल होती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पक्की करते हुए यह बताया है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता युवा हैं और संघर्षशील भी हैं। तो औरैया से एक खबर है जहां पर दोनों पार्टियों ने जीत कंफर्म अपनी करा दी है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया और दोनों पार्टियों की जीत समर्थक कंफर्म कर रहे हैं। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया, क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्यों ने नामांकन जिला पंचायत के लिए किया है, जिसमें बीजेपी से प्रत्याशी आपके कमल दौरे जी को नामांकन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी से रवि त्यागी और रवि दौरे ने नामांकन किया है।
आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो औरैया से खबर बता रहे जहां पर दोनों पार्टियों ने जीत अपनी कंफर्म करा दी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामशंकर कठेरिया ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पक्की करते हुए बताया है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता युवा हैं और संघर्षशील भी हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर की तहसील खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खुर्जा पुलिस मृतका की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस को शव कई दिन पुराना होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं देश में अब कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है। डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत अब प्रदेश में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट की गहन पड़ताल के लिए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा के लिए KGMU और BHU में सभी जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम ने आला अधिकारियों को दिए हैं। नए वेरिएंट को लेकर चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी का यह कहना है कि जो भी वायरस होते हैं वो हर समय अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं। वो अपने नए रूप में कमजोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि ये जो भी कोरोना का नया स्ट्रेन है इस पर रिसर्च जारी है। निश्चित रूप से ये काफी शक्तिशाली स्ट्रेन है और ये काफी खतरनाक भी होगा। उनका यह कहना है कि जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उन पर भी इसका असर कम होगा। इस पर डेटा प्लस वेरिएंट से बचने के लिए लोगों को अपनी इम्यूनिटी का खास ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि वायरस जो भी होते हैं वो हर समय अपना प्रकृति बदलते रहते हैं। म्यूटेंट होता है, वो म्यूटेशन के बाद से अपनी प्रकृति बदलते रहते हैं। सामान्यतः वो अपने प्रकृति नए रूप में कमजोर भी हो सकते हैं और मजबूत भी हो सकते हैं। जो कोरोना का वायरस का म्यूटेट अभी चल रहा है, ऐसे ही 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू के लिए भी चला था कि दूसरे तीसरे म्यूटेंट में वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। कोरोना का भी वायरस ऐसे ही जो डेल्टा प्लस चल रहा है इस समय, जो अभी एक दो उसके केसेस आ रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, हमारे यहाँ भी एक लखनऊ में एक कोई आया था बाहर से, वो भी शायद डेल्टा प्लस के ही। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देशभर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।